सुप्रभात बच्चों, आप लोगों को नया साल मुबारक हो। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा सिंह आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 8 कैसा कितना पढ़ाऊंगी। तो चलिए बच्चों, अब हम पेज नंबर 44 पे सबसे ऊपर देखते हैं, लिखा है पाठ 8 कैसा कितना, यानी इसका मतलब होता है विशेषण। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, दूध गर्म है, तो यहाँ पर जो गर्म शब्द है ये क्या है? विशेषण शब्द है। माँ ने हरे केले की सब्जी बनाई, तो यहाँ पर जो हरा शब्द है वो विशेषण शब्द है। अब हम आपको विशेषण की परिभाषा बताते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, आपने अभी हमने इस चित्र में बताया कि दूध गर्म है, तो गर्म शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। यानी यहाँ पर दूध और ये केला जो होता है संज्ञा शब्द में आते हैं, तो इसकी विशेषता बताई गई है कि दूध गर्म है और केले हरे हैं, तो गरम और हरा शब्द क्या होता है? विशेषण शब्द होता है। इसी तरह इस चित्र में हम देख रहे हैं कि पेड़ पर दो बंदर हैं, तो दो शब्द जो है वो क्या है? आपका विशेषण शब्द है। गिलास में थोड़ा पानी है, तो ये थोड़ा शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। तालाब में एक सफ़ेद बगुला है, एक सफ़ेद शब्द क्या हुआ? आपका विशेषण शब्द हुआ। मेरे पास 5 रंग बिरंगी पेंसिलें हैं, तो ये 5 रंग बिरंगी शब्द क्या हुआ? आपका विशेषण शब्द हुआ। तो बच्चों, यहाँ तक आपको विशेषण समझ में आया कि हम विशेषण किसे कहते हैं? हाँ, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण शब्द कहते हैं। आइए, नीचे कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, जैसे कैसा कितना में उसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर, दूध गरम, केले हरे कितने में, बंदर दो, पानी थोड़ा, फिर कैसा में आता है? बगुला सफ़ेद, पेंसिलें रंग बिरंगी कितना में, बगुला कितना है? 1 है, और पेंसिलें कितनी हैं? 5 हैं। तो हमने अभी इस चित्र के माध्यम से विशेषता कैसा और कितना पढ़ा। चलिए बच्चों, पेज नंबर 45 पे ऊपर देखिए, यहाँ पर आओ इस प्रकार के कुछ और शब्दों को जाने, यानी कैसा और कितना का यहाँ पर शब्द दिया गया है, उनको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए कैसा में पढ़ते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं? बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा, अच्छा, बुरा, भूरा, पीला, ऊंचा, काला, ये शब्द कैसे में आते हैं? ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि यह लड़का छोटा है, तो जो छोटा शब्द होगा वो क्या होगा? विशेषण शब्द होगा। यहाँ पर नारियल का पेड़ लंबा है, तो यहाँ पर जो लंबा शब्द होगा वो क्या होगा? आपका विशेषण शब्द होगा। अब आते हैं कितना में, शब्द जो लिखे हैं देखिए, 3, 4, 5, कम, अधिक, थोड़ा, आधा, पूरा, बहुत, ज़्यादा, ये कितना में शब्द आते हैं। अब इनसे एक उदाहरण लेते हैं, पेड़ पर 3 आम हैं, पेड़ पे क्या है? 3 आम हैं, जो 3 शब्द हैं यहाँ पर वो क्या है? आपके विशेषण शब्द हैं। ठीक है, 4 कुर्सियाँ कमरे में हैं, तो जो 4 लिखा हुआ है वो क्या है? आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पाते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाम वाले शब्दों के विषय में बताते हैं, जैसे लाल, हरा, बड़ा, मोटा, पीला, ऊंचा आदि शब्द कैसे के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए, 4, 5, 2, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि शब्द कितना के बारे में
बताते हैं। अभी हमने ऊपर देखे कैसे हमने पढ़ा है, अब आते हैं नीचे। बच्चों आप अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और पुस्तक में हम कुछ कार्य करते हैं। देखिए नीचे प्रश्न नंबर 1 लिखा है, सही शब्द से खाली स्थान भरो। यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स में देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं जो विशेषण शब्द हैं, जैसे तेज, गरम, तीन, सुंदर, मीठा, ये क्या है, विशेषण शब्द है। नंबर क में देखिए, मेरे पास 3 पेंसिलें हैं। ये जो 3 शब्द लिखा है ये क्या है, आपका विशेषण शब्द है। अब नंबर ख में है, गिलास में क्या है, चाय है। कैसा चाय है, गरम। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, खाली स्थान में गरम भरेंगे, ठीक है। हवा चल रही है, कैसी चल रही है, तेज। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, तेज। खरबूजा बहुत क्या है, मीठा है। यहाँ पर हम लोग मीठा शब्द भरेंगे। अंगा में देखिए, तितली उड़ रही है, कैसी तितली उड़ रही है, सुंदर। इसमें हम लोग क्या भरेंगे, सुंदर भरेंगे, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 46 पे। अब अपनी कॉपी में सबसे पहले बच्चों 3 लाइन का हेडलाइन बनाइए। हेडलाइन यानी सिरोरेखा खींचिए। देखिए हमने 3 लाइन का खींचा है, पतली वाली लाइन काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, ठीक है। पहली वाली लाइन में लिखेंगे पाठ 8, यहाँ पर लिखेंगे कैसा, कितना, ब्रैकेट में लिखेंगे विशेषण, और बाएं तरफ हम लिखेंगे दिनांक। उसके नीचे एक पतली वाली लाइन छोड़ेंगे, फिर चौड़ी वाली लाइन छोड़ेंगे, प्रश्न 1 लिखेंगे, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण है, सूरज गोल है। ये जो गोल शब्द है ये क्या है, विशेषण शब्द है। नंबर 2 पे देखिए, 4 कोयल है। तो ये 4 जो लिखा गया है ये आपका विशेषण शब्द है। पेज पलटिए, दूसरे पेज पर हम 2 लाइन का सिरोरेखा खींचेंगे। पतली वाली 2 लाइन काउंट कर लीजिए, 1, 2। बीच में लिखेंगे गृह कार्य, बाएं तरफ लिखेंगे दिनांक। फिर यहाँ पे एक चौड़ी वाली लाइन छोड़ेंगे, पतली वाली लाइन छोड़ेंगे, और मार्जिन लाइन के बाएं तरफ लिखेंगे प्रश्न 1। 6 विशेषण शब्द लिखिए। आपको यहाँ पर 6 विशेषण शब्द लिखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 कॉपी में अपने डाल लीजिए, और यहाँ पर 6 विशेषण शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनको याद करेंगे। आपका यहाँ पर कॉपी कार्य और पुस्तक कार्य दोनों समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।